नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे YouTube चैनल में। और आज आप लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट SSC स्टेनोग्राफर का। 23 दिसंबर का जो 23 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं इंग्लिश का। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधे पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। और आप लोगों को बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या किसी भी तरीके से आप लोगों को कोई चीज़, कोई भी क्वेश्चन, आपका किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं। बता दें आप लोगों को 11 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, उसमें मैं एडजेक्टिव जो है वो पढ़ा रहा हूँ। लगभग सारे चैप्टर्स वहाँ टारगेट SSC स्टेनोग्राफर करके पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें कवर कराई जा रही हैं। SSC स्टेनोग्राफर 2020 को टारगेट रख करके सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। MB पब्लिकेशन की बुक सॉल्यूशन की वीडियो भी सॉल्व कराई जा रही है और साथ ही साथ ब्लैक बुक भी सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम ऑल परस्पेक्टिव्स द करेंट सिचुएशन इज अनप्रेसिडेंटेड एंड फॉर्चुनेट वंस फॉर द कंट्री। तो यहाँ देखिए अनप्रेसिडेंटेड वंस लिखा हुआ है। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड क्या लिखा हुआ है, वंस, जबकि अनफॉर्चुनेट वंस लिखा हुआ है, जबकि अनफॉर्चुनेट वन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव प्लस वन, देख लीजिएगा आप लोग, एडजेक्टिव प्लस नाउन को अगर रिपीट करना होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन को रिपीट करने के लिए हम एडजेक्टिव प्लस वन का यूज़ करते हैं। नाउन के स्थान पर हम वन का यूज़ कर देते हैं। अब ये नाउन अगर सिंगुलर है तो वन होता है और प्लरल है तो वंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि करंट सिचुएशन सिंगुलर है इसलिए वन का यूज़ होगा, इसलिए किसका यूज़ होगा, वन का यूज़ होगा। अगर सिचुएशंस होता तो हम वंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले में आप लोगों को तो मालूम ही है एरर कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 2 पे ग्रीन है, तो उसी पार्ट में एरर है। चूँकि सॉल्व कराने के लिए मुझे पूरी चीज़ें टाइप करानी पड़ती तो काफ़ी लेट लग रहा था, और बहुत से लोगों की डिमांड थी कि सर जल्दी से आप लोग SSC स्टेनोग्राफर का पेपर सॉल्व करा दीजिए। तो मैं यहाँ पर रीज़न बताता चलूँगा आप लोगों को कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व इसमें पूछा गया है। ठीक है, हमें इसको सॉल्व कैसे करना होता है, देखिए फ्रॉम से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत प्रीपोजिशन से होती है तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आता, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर उसकी वर्ब आती है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम, फ्रॉम से सेंटेंस स्टार्ट हो उसके बाद आल लिखा हुआ है, आल के बाद लिखा हुआ है आने वाला जो नाउन है वो प्लरल काउंटेबल नाउन होता है। आल के बाद दो तरीके के वर्ड आ सकते हैं, या तो प्लरल काउंटेबल नाउन आ सकता है और या अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ आल के बाद पर्सपेक्टिव्स लिखा गया है, प्लरल काउंटेबल नाउन आया है। उसके बाद लिखा है द करेंट सिचुएशन, चूंकि द करेंट सिचुएशन सिंगुलर है इसलिए इज आया है। अनप्रेसिडेंटेड यू से स्टार्ट हुआ है और उसके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज़ करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेट के बाद क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए फॉर द कंट्री। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, टेंड। टेंड का मतलब एक ये भी होता है, केयर फॉर होता है। टेंड का मतलब क्या होता है, किसी की, हाँ, केयर करना, केयर फॉर होता है। हमने कई बार बताया है केयर फॉर या अबाउट का मतलब होता है किसी की परवाह करना। ठीक है, केयर फॉर या अबाउट का मतलब क्या होता है, किसी की परवाह करना। एक होता है टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का मतलब होता है क्या, किसी की देखभाल करना। और उसको हम लिख सकते हैं क्या, लुक आफ्टर, क्या लिख सकते हैं, लुक आफ्टर। टेक केयर ऑफ को क्या लिखा जा सकता है, लुक आफ्टर लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लुक आफ्टर हो गया, उसके बाद क्योर एक होता है, क्योर मतलब किसी चीज़ का इलाज होना, इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। बात इतनी समझ में आ गई आप लोगों को कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, केयर फॉर होना चाहिए। ठीक है, सही ऑप्शन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, बीइंग ए हॉट एंड बिजी डे आई फेल्ट टायर्ड एंड डिसाइडेड टू रिटायर अर्ली। ठीक है, बीइंग ए बिजी एंड हॉट एंड बिजी डे, अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की ING फॉर्म से हो रही है और वो, ठीक है, और तो इसका जो सब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। ये क्या बन जा, वो पार्टिसिपल फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है, पार्टिसिपल फ्रेज। और इस पार्टिसिपल फ्रेज का सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो बाद वाला, इस पार्टिसिपल का कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है,
और नियरेस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम देखते हैं बीइंग ए हॉट एंड बिजी डे का सब्जेक्ट क्या आई है। अगर बीइंग ए हॉट एंड बिजी डे का सब्जेक्ट आई होता तो हम यहाँ पे कोई को इट नहीं लगाते, नहीं तो हम किसका यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बीइंग ए हॉट एंड बिजी डे का अगर सब्जेक्ट आई है तो ये सही लिखा होता, लेकिन चूंकि बीइंग ए हॉट एंड बिजी डे का सब्जेक्ट आई नहीं है इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, एक प्रोनाउन लगाएंगे यहाँ पे इट, और हो जाएगा इट बीइंग ए हॉट एंड बिजी डे आई फेल्ट टायर्ड एंड डिसाइडेड टू इन रिटायर अर्ली। ठीक है, बात समझ में आई इतनी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन को, द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, सपोज इस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व कराते हैं एक बार, देखते हैं हम, देखिए आप लोग कैसे लिखा हुआ है। सपोज अगर लिखा गया है वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, अलॉन्ग द रोड, ठीक है, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड आई सा ए ब्लाइंड मैन, आई सा ए ब्लाइंड मैन। अब देखिए वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, इसका सब्जेक्ट आई है मैं वॉक कर रहा था, इसलिए यहाँ पे इट या और कोई प्रोनाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, रोड पर वॉक करते हुए टहलते हुए आई सा ए ब्लाइंड मैन, मैंने एक ब्लाइंड मैन को देखा। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो वॉकिंग है, ये जो वॉकिंग अलॉन्ग द रोड है, ये प्रीपोजिशनल वो पार्टिसिपल फ्रेज है, क्या इसका सब्जेक्ट आई है, तो निकल के आता है टहलने का काम कौन कर रहा है, आई ही कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़, ये सेंटेंस सही लिखा गया है, लेकिन अगर यहीं ये होता कि इस पर टहल मतलब इसका सब्जेक्ट बगल में ना लिखा होता तो हम यहाँ पर कोई और प्रोनाउन का यूज़ करते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन डैश ए वेल नोन एकेडमिशियन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा, द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन में सब्जेक्ट क्या है, हमने बताया है कि कभी भी हिंदी नहीं निकालेंगे बहुत ज़्यादा, प्रीपोजिशन के पहले वाले को मान लेते हैं सब्जेक्ट हमेशा। प्रीपोजिशन के पहले चूंकि फाउंडर लिखा हुआ है और फाउंडर सिंगुलर है इसलिए हैव बीन नहीं होगा क्योंकि हैव बीन प्लरल के लिए यूज होता है, वर नहीं होगा क्योंकि वर प्लरल के लिए यूज होता है, और आर नहीं होगा क्योंकि आर प्लरल के लिए यूज होता है। अब द फाउंडर के लिए एक ही सिंगुलर वर्ब है, वो है वॉज, तो वॉज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है ख्याली पुलाव उगाना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से कट ऑफ हो जाना। ठीक है, अपने ख्याली पुलाव उगाना, ये होता है आपका क्या, हेड इन द क्लाउड्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है किसी से दूरी बनाए रखना, क्या होता है, किसी से दूरी बनाए रखना। अब इसका क्या हो जाएगा देखिएगा, पहला दिया गया है टू नॉट अलाउ समवन टू कम नियर योर होम, ये होगा। ठीक है, और टू नॉट अलाउ समवन, किसी को अलाउ ना करना, टू कम नियर योर होम, तो अपने होम के नियर आने से के लिए, ये हो जाएगा क्या, या अवॉइड मेकिंग फ्रेंड विद समवन, किसी से दूरी बनाए रखना, मेकिंग फ्रेंड विद समवन, ठीक है, अवॉइड करना, तो यही आपका हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, प्रिवेंट पीपुल फ्रॉम गैदरिंग, तो प्रिवेंट और प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हुए है। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, प्रिवेंट और प्रोहिबिट के साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज होता है, प्रिवेंट और प्रोहिबिट के साथ हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्रिवेंट है और ये प्रोहिबिट है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, किसी से दूरी बनाए रखना वाइल एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज के दौरान, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका क्या सही हो जाएगा, अवॉइड मेकिंग फ्रेंड्स विद समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दिया गया है, द वेंडर इज सेलिंग ओनियंस ऑन द कार्ट, द वेंडर इज सेलिंग ओनियंस ऑन द कार्ट, इसका क्या बनेगा आपका देखिएगा, द वेंडर इज सेलिंग ओनियंस ऑन द कार्ट, हमें बनाना क्या है इसका, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना है इसका, पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे हम इसका पैसिव वॉइस, द वेंडर इज सेलिंग, तो इज सेलिंग आप लिख लीजिए और सेलिंग को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, सेलिंग को क्या करेंगे हम, दो पार्ट में तोड़ देंगे,
एक वर्ब बी और एक आईएनजी, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। तो बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तोड़ देंगे। अब बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? बीइंग। और सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड। बी की आईएनजी फॉर्म लिखिए, ऐसे एक रोटेट करा दीजिए इसे। बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? बीइंग। ठीक है, क्योंकि सेलिंग आईएनजी फॉर्म है, बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग होती है और सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। तो बीइंग सोल्ड देखेंगे, इज या आर बीइंग सोल्ड, कहाँ पे लिखा गया है? आर सोल्ड लिखा गया है, गलत काट दीजिए। वर बीइंग सोल्ड लिखा है, गलत काट दीजिए, चूंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। और आर बीइंग सोल्ड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर थ्री आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सगौरिका सेड आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन। ठीक है, सगौरिका सेड दैट होगा, सेड दैट, सेड दैट, सेड दैट, सेड दैट, सब में लिखा गया है। अब क्या करते हैं हम, हैव का पास्ट, देखिए कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट का पास्ट लिखते हैं। ठीक है, अब बताइए हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। हैड इसमें है? नहीं। इसमें है? हाँ इसमें है। इसमें भी नहीं है, ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री में, और क्वेश्चन नंबर फोर में भी हैड है। अब क्वेश्चन नंबर टू और फोर में मिलाते हैं, दिक्कत क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर टू में लिखा गया है सागरिका सेड आई हैड पास्ड माई एग्जामिनेशन। ये माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और सागरिका के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब माई जब सागरिका के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आएगा हर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो ऑप्शन नंबर फोर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्या लिखा हुआ। द केमिस्ट सेड वी डू नॉट हैव स्टॉक ऑफ दिस मेडिसिन नाउ। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हमने बताया है कि डू का सेकंड फॉर्म खोजिए डिड, डू का पास्ट खोजिए डिड। हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आप पास्ट खोजा कीजिए। डू का पास्ट क्या? डिड। डिड यहाँ भी नहीं है, डिड ऑप्शन नंबर दो में है, और तीन में भी नहीं है, तो तीन भी, और ऑप्शन नंबर चार में भी डिड है। तो दो और चार में से ही कोई ना कोई सही होगा। अब देखते हैं सही क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, डू नॉट हैव। ठीक है, और डू नॉट हैव का क्या बनेगा? डिड नॉट हैव बनेगा, और डिड नॉट हैव भी तीनों में दिया गया। अब दोनों को मिला लेते हैं। द केमिस्ट सेड दैट, द केमिस्ट सेड दैट, यहाँ वी दिया गया है और यहाँ दे दिया गया है, दोनों में अंतर सिर्फ देख लेते हैं हम। अब वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, केमिस्ट के अकॉर्डिंग दे आना चाहिए, और दे वाला ऑप्शन नंबर फोर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन टेन देखते हैं। सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है किसी को सपोर्ट, किसी का सपोर्ट भी करने के लिए, हम सपोर्ट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? सस्टेन का यूज़ करते हैं। साइनो लिखना था, सस्टेन का सपोर्ट हो जाएगा। जनरेट का मतलब जानते हैं, उत्पन्न करना होता है, डिज़ाइन जानते हैं, और प्लान भी आप लोग भली भांति जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नाइदर रमा नॉर वीना हैव रिप्लाइड द ईमेल आई हैव सेंट एस्टरडे। क्या लिखा गया है? नाइदर रमा नॉर वीना। ठीक है, नाइदर नॉर से दो सेंटेंस जुड़े गए हैं, नाइदर और नॉर से दो सेंटेंस को जो दो वर्ड को जोड़ा गया है। ठीक है, अब बाद वाले के वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? बाद वाले के अकॉर्डिंग। बाद में लिखा गया है वीना, वीना के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए यहाँ पे? वीना चूंकि सिंगुलर है इसलिए हैज़ होना चाहिए। ठीक हैज़ होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में पहले में हैज़ दिया गया है, यही आपका सही आंसर है। दूसरी बात हम देखते हैं, एस्टरडे का यूज पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, तो सेंट जो है वो सेंड की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है, इसलिए ये क्या दिया गया है? सही दिया गया है। सेंड की फर्स्ट फॉर्म सेंड, सेकंड सेंट, और थर्ड सेंट होती है। एस्टरडे भी पास्ट इंडेफिनिट में आता है। एगो का यूज पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, प्रीवियस डे का यूज पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, लास्ट या पास्ट प्लस टाइम, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक का यूज भी हम किस में करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जंबल्ड सेंटेंस है, जंबल्ड सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। पहली बात हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन में सभी सेंटेंस सभी जो है वो सी से स्टार्ट हुए हैं, तो सी को पढ़ना हमें पहले ज़रूरी है।
पहले हम सी पढ़ लेते हैं। द ग्रेट स्टूप है सांची, सांची में जो स्टूप है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर, वो ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स में से एक है इन इंडिया, इंडिया में, एंड और एन इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, और इंडियन आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो मॉन्यूमेंट है। चलिए सी के बाद क्या आना चाहिए, सी के बाद पहले में डी दिया गया है, दूसरे में ए दिया गया, तीसरे में बी, चौथे में बी। तो चलिए सी के बाद पहले डी देख लेते हैं। इट्स न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस वाज ए सिंपल हेमीस्फेयर, एक सिंपल हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर ब्रिक स्ट्रक्चर ब्यूल्ट ओवर ए रिलिक्स ऑफ बुद्धा। अब क्वेश्चन डी हो गया, अब हम बी पढ़ लेते हैं। द ब्रिक स्ट्रक्चर वाज क्राउंड बाई ए छतरी, है ना, एंड ए पैरासोल लाइक स्ट्रक्चर सिंबलाइजिंग हाई रैंक विच वाज इंटेंडेड टू ऑनर एंड सेल्टर द रिलिक्स। ठीक, अब यहाँ होगा क्या, अब सी पढ़ लेते हैं। हमें एक बात बताई गई कि सांची का स्तूप जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स में से क्या है, एक है इंडिया में, और इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है इंडियन आर्किटेक्चर का। ठीक है, इसके बाद क्या आना चाहिए। इट वॉज ओरिजिनली कमीशनड बाई ए एम्परर अशोक, अशोक के द्वारा 3rd सेंचुरी BCE में क्या हुआ, इसे कमीशन किया गया। पहले बताया जाएगा कि सांची का स्तूप जो है के बारे में, फिर इसे कमीशन किसने किया ये बताया जाएगा, फिर आगे कोई बात कही जाएगी। ठीक है, फिर चलिए सी के बाद हमें मालूम चल गया ए आएगा, सी के बाद ए के बाद हम देखते हैं बी और डी में से क्या आएगा। तो देखिए डी भी दिया गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। इट्स न्यूक्लियस वाज ए सिंपल हेमीस्फेयर ब्रिक स्ट्रक्चर ब्यूल्ट ओवर द रेलिक्स ऑफ द बुद्धा। अब हम देखते हैं डी के बाद बी, द ब्रिक स्ट्रक्चर, ये आर्टिकल द बता दे कि इस ब्रिक स्ट्रक्चर की चर्चा पहले हो चुकी है, और इसे डेफिनेट करने के लिए हम आर्टिकल द लगा रहे हैं। अब ब्रिक की चर्चा अब किस में हुई है, डी में हुई है, तो डी के बाद क्या आएगा, बी आएगा। तो डी के बाद बी आएगा, और इसकी पुष्टि हो जाती है कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेवरल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स वर शेयर बाई द ग्रुप ऑफ एकेडमिक्स। ठीक है, क्या होगा, सेवरल के बाद आने वाला नाउन प्लरल होता है, देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स लिखा हुआ है, ठीक, वर शेयर लिखा गया है। अब वर के बाद आता क्या है ये देख लेते हैं हम, एक बार देखिए आप लोग कि वर जो है वो वर्ब बी की फॉर्म है, इज एम आर वाज वर, ये वर्ब बी की फॉर्म होती हैं। अब वर्ब बी के बाद दो ही वर्ब आ सकती हैं, या तो वर्ब बी के बाद ING फॉर्म आती है, या तो वर्ब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अगर वर्ब बी के बाद ING फॉर्म आती है तो एक्टिव वॉयस में होता है, अगर वर्ब बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉयस में होता है। इज एम आर वाज वर के बाद या तो ING फॉर्म आएगी या तो थर्ड फॉर्म आएगी, इसके सिवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी, ऐसी कोई फॉर्म का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए वर जो है वो वर्ब बी की फॉर्म है, इसके बाद कहीं पे ING फॉर्म ऑप्शन में दिया गया है, नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसी ऑप्शन में दिया गया है, सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको MBA पब्लिकेशन की बुक सॉल्व कराते समय मैंने बताया है ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। सेवरल के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लरल काउंटेबल होता है। सेवरल वेरियस न्यूमेरस, सेवरल क्या लिखेंगे, सेवरल वेरियस न्यूमेरस, इनके बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लरल काउंटेबल होता है। सेवरल वेरियस न्यूमेरस, ठीक है, न्यूमेरस, फ्यू ए फ्यू द फ्यू, और मेनी ए गुड मेनी ए ग्रेट मेनी। ठीक है, इसके बाद आने वाला नाउन जो होता है वो कैसा होता है, इसके बाद आने वाला नाउन जो होता है वो कैसा होगा, प्लरल काउंटेबल नाउन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिएगा ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़ेंगे ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब होता है ओल्ड फैशनड, इसी से बना हुआ स्टेट ऑफ ओल्ड फैशनड वो होता है ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, इसका हमें क्या लिखना है, इसका हमें एंटो लिखना है, क्या लिखना है, एंटोनिम लिखना है। तो हम लोग बताएं कि ओल्ड फैशनड का मॉडर्न ही होगा, आप लोग जानते हैं। ठीक है, ओल्ड फैशनड का क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। द प्लम्बर हैज़ नॉट एड फिक्स्ड द लीकेज इन द टैप। देखिए यहाँ पर हैज़ का पास्ट क्या होता है, हमेशा ध्यान रखते हैं, सॉरी पैसिव बनाना है ना, पैसिव में पास्ट नहीं देखते हैं।
हैज का क्या होता होगा, हमें मेन वर्ब देखनी है और मेन वर्ब देखने के बाद हमें क्या करना है, इसको दो पार्ट में तोड़ देना है। मेन वर्ब को क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ देना है, एक वर्ब बी और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक वर्ब बी और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, बी की थर्ड फॉर्म लिखिए और फिक्स्ड की थर्ड फॉर्म लिखिए, ठीक है। बी की थर्ड फॉर्म बीन और फिक्स्ड की थर्ड फॉर्म फिक्स्ड, तो बीन फिक्स्ड देख लीजिए, या कभी भी एक तरीका मालूम कर लीजिए, हैज है तो हैज़ बीन, हैव है तो हैव बीन, हैड है तो हैड बीन, सीधे एक्टिव से पैसिव में। तो हैज है तो हैज़ बीन देखिए कहाँ पे है, यहाँ हैड बीन दिया है, यहाँ हैव दिया है, यहाँ हैज़ दिया है, सिर्फ यहाँ हैज़ बीन दिया गया है, ऑप्शन नंबर चौथे में हैज़ बीन दिया गया है। तो हैज़ का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हैज़ बीन, हैव का हैव बीन, हैड का हैड बीन, इस तरह से हम लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पल्लवी सेड आई एम गोइंग टू बेक ए स्पॉन्ज केक टुमारो, ठीक है। अब देखते हैं ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना है, और जब भी हम बताते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना हो तो आपको क्या करना चाहिए, वर्ब को पास्ट लेना चाहिए। पास्ट का वर्ब क्या लेना चाहिए, मतलब आई एम गोइंग का एम, देखिए एम जो है वो प्रेजेंट की वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, इसकी जो पास्ट होगी वो क्या होगी, वाज या वर। अब वाज या वर ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं दिया गया है, वाज या वर ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं दिया गया है, वाज या वर ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया गया है, डी में वाज दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर चार जो है वो सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बात इतनी आप लोगों को समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ही एंग्रीली आस्क्ड द स्ट्रेंजर्स स्ट्रेंजर हु वाज टू स्पीक सो र्यूडली टू हिम, ये नरेशन है और इसका क्या बनाना है, हमें इसका एक्टिव बनाना है। ही एंग्रीली आस्क्ड, तो ही शाउटेड एट द स्ट्रेंजर हो सकता है, एंग्रीली आस्क्ड भी हो सकता है, और चौथे में भी दिया गया शाउटेड एट द स्ट्रेंजर, ठीक है। चारों में से अभी इसमें में से हम ये नहीं डिसाइड करेंगे कि होगा क्या। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, हु ही वाज, तो हु का हुम नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर तीन गलत काट दीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन क्या कर देंगे, गलत काट देंगे। अब देखिए हु, अब तीनों में अंतर देख लीजिए, हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, स्पीकिंग स्पीक स्पीक स्पीक्स, अब यू के बाद क्या आएगा, हु आर यू, और यहाँ देखिए टू स्पीक दिया गया है, तो हमेशा टू स्पीक ही जहाँ भी होगा होगा, और कौन से ऑप्शन में टू स्पीक दिया गया, ऑप्शन नंबर दो में, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, देखिए टू स्पीक, और पहले में क्या दिया गया है, स्पीकिंग दिया गया है, तीसरे में क्या दिया गया, स्पीक दिया गया, और चौथे में क्या दिया गया, स्पीक दिया गया है, जबकि वहाँ क्या होना चाहिए, टू स्पीक होना चाहिए, और टू स्पीक ऑप्शन नंबर दो में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब शत्रु, और हो जाएगा क्या, हॉस्टाइल, इनिमिकल का क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल, ठीक है, शत्रुता, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनिमिकल। फ्राइटेनिंग आप लोग जानते हैं, बॉयस्टर्स का मतलब होता है उद्दंड, बॉयस्टर्स का मतलब होता है उद्दंड, और एनर्जेटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, ऊर्जावान, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका साइनों की अगर बात करें तो होता है फ्रेंडली, ठीक है, एमिकेबल, एमिएबल भी होता है, एमिकेबल, एमिकेबल का भी मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है, एमिएबल, एमिएबल का भी मतलब होता है फ्रेंडली, जब एमी लग जाता है तो वो फ्रेंड के ही उसमें आता है, ठीक है, एमी अगर लग जाएगा तो वो फ्रेंडली के ही सेंस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देव सेड टू हिज मदर डोंट वरी वी, हाँ ठीक है, देव सेट टू हर मदर, अब देखिए क्या बनेगा इसका, देव सेट टू हर मदर का क्या बनेगा, हाँ दिया क्या गया है आपका, देव सेट टू हर मदर का सेट टू ही हर मदर दे दिया, गलत काट दीजिए, एश्योर्ड भी हो सकता है और सेट टू नहीं होगा, या तो दो होगा या तो तीन होगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे विल का क्या होगा, उड होगा, विल का पास्ट क्या होता है, उड होता है, और उड ऑप्शन नंबर दो में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर दो जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम पास्ट ही लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आई विश द पीपुल इन द क्यू, इन द क्यू का मतलब लाइन में, ठीक है, वुड मूव ए लिटिल फास्टली, तो हमने बताया है कि फास्ट का कभी एडवर्ब फास्टली नहीं होता है, ऐसा हमने एमबी की बुक सॉल्व करते समय बताया था,
मैं बता रहा हूँ कि जितने लोगों ने मेरे एमबी पब्लिकेशन का सेट देख लिया है वो स्टेनोग्राफर का क्या चाहे जो सेट लगाएंगे उसमें ज़रूर मिलेगा। मैंने एक बार नहीं बहुत बार इसको बताया है, फास्ट का फास्टली नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फास्टली जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक। यू वुड मूव ए लिटिल फास्टर होगा या लिटिल फास्ट यू वर मूविंग होगा, या आई विश से सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो तो वहाँ पे क्या आएगा, वुड ही आएगा, ठीक है। द पीपुल इन द क्यू वुड मूव ए लिटिल फास्टर होगा, क्या हो जाएगा, ए लिटिल फास्टर। और क्या होगा, लिटिल बिट फास्ट, लिटिल का मतलब कुछ नहीं होता है तो ये तो गलत हो जाएगा। आना ए लिटिल ही चाहिए, दोनों में लिटिल दिया गया है दोनों गलत काट दीजिएगा, ठीक है। ए लिटिल ही आना चाहिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए लिटिल का मतलब कुछ होता है, ठीक है, थोड़ा पहले से ज़्यादा फास्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वाइट ए रॉकेट वॉज बींग क्रिएटेड ऑन द मैंगो ट्री इन द पार्क बाई द पैराकीट्स। देखिए देख क्या होगा यहाँ पर, बाई से जो सेंटेंस जो वर्ड जुड़ा होता है वो सब्जेक्ट के रूप में आता है तो सब्जेक्ट है पैराकीट्स। पैराकीट्स के साथ क्या लगेगा वो देखते हैं। वर बींग क्रिएटेड, कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाने का तो हम बताए थे, लेकिन पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ये बींग को इसी में एडजस्ट कर दीजिए, मतलब बी की ING फॉर्म को क्रिएट की ING फॉर्म बना दीजिए और हो जाएगा क्या, क्रिएटिंग, ठीक है। कभी भी पैसिव से एक्टिव बनाना हो तो वर्ब बी को थर्ड फॉर्म में एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, बी की ING फॉर्म को क्रिएट की ING फॉर्म बनाइए और हो जाएगा क्रिएटिंग। अब देखिए पास्ट में है, वाज या वर क्रिएटिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, वर्ब क्रिएट दिया गया है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चलिए सही है, वर क्रिएटिंग, लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी हम देखते हैं, आर क्रिएटिंग, हम बताएं हैं वाज या वर क्रिएटिंग देखिए। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, चौथे में, विल बी क्रिएटिंग, तो ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रोशर गिव्स इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज द गैजेट, ठीक है। अब देखिए इसका क्या बनाना है, हम ये देख लेते हैं, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए क्या हो गया, द ब्रोशर गिव्स इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज द गैजेट, होगा क्या इसका, देखिए पहले इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्ट है, ये पहले आएगा सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब देखिए इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज द गैजेट, अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ब देखिए आप और वर्ब को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, एक वर्ब बी और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ऐसे तोड़ देना होता है। अब बी की यस या यस वाली फॉर्म का मतलब है बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, तो या तो इज आना चाहिए या एम आना चाहिए या आर आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद गिव की थर्ड फॉर्म लिखिए, ऐसे रोटेट करा दिया कीजिए, बी की यस या यस वाली फॉर्म और गिव की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म क्या, गिवेन, गिव की थर्ड फॉर्म क्या, गिवेन। अब इज एम आर और गिवेन जिसमें दिया गया होगा वही सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ आर गिवेन दिया गया है ये सही आंसर है, यहाँ हैव गिवेन दिया गया इसलिए गलत है, वर गिवेन दिया गया इसलिए गलत है और विल बी गिवेन दिया गया इसलिए गलत है। इज एम आर गिवेन जहाँ होता वहाँ हम देखते कि सही क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब हम यहाँ क्या लिखा गया है चलिए देखते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है, देखते हैं यहाँ होगा क्या। दिया गया है द सर्कुलर आस्क्ड द रेजिडेंट टू कीप देयर गार्बेज रेडी बाई 11 AM फॉर द कॉरपोरेशन स्टाफ टू कलेक्ट, ठीक है। पहला दिया गया है द रेजिडेंट हैव बीन रिक्वेस्टेड, रेजिडेंट से रिक्वेस्ट किया जाता है टू कीप देयर गार्बेज, ये तो पैसिव में बना दिया, इसका हमें क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, जब भी बी की बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए। हाँ चलिए आगे भी देख लेते हैं इसे, हैव बीन रिक्वेस्टेड टू कीप देयर गार्बेज रेडी बाई 11 AM फॉर द कॉरपोरेशन स्टाफ टू कलेक्ट द सर्कुलर सेड। दूसरा क्या दिया गया है, द सर्कुलर सेड ऑल रेजिडेंट विल बी, चलिए द सर्कुलर द रेजिडेंट कैन कीप देयर गार्बेज, और इसमें दिया गया है क्या आपका द सर्कुलर सेड। उसके बाद क्या दिया गया, ऑल द रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप देयर गार्बेज बैग्स बाई रेडी बाई 11 AM फॉर द कॉरपोरेशन स्टाफ टू कलेक्ट। देखिए यहाँ पे आर रिक्वेस्टेड ही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनसे रिक्वेस्ट किया जाता है, यहाँ पे आर रिक्वेस्टेड ही होगा, ठीक
ठीक है, और सही क्या होगा द। और यहाँ पे देखिए एक बात, यहाँ लिखा हुआ है टू कीप देयर गार्बेज, ठीक है, टू कीप देयर गार्बेज, तो यहाँ भी लिखा हुआ है आपका टू कीप देयर गार्बेज, यहाँ पे टू के साथ कीप देयर गार्बेज है ना, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, जबकि यहाँ कैन कीप दे दिया गया है, विल बी कीप दे दिया गया है, तो गलत हो गया है। ठीक है, तो क्या हो गया है, गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है टू कीप देयर गार्बेज बैग्स रेडी बाई 11 AM फॉर द कॉरपोरेशन स्टाफ टू कलेक्ट, ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूल योर हील्स, कूल योर हील्स का मतलब होता है अनविलिंगली वेट फॉर समथिंग और समवन। कूल योर हील्स का मतलब होता है किसी, जब आपकी अनविलिंगली का मतलब आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ का, तो अनविलिंगली वेट फॉर समथिंग और समवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है डू रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप योर सेल्फ फिट, अपना रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए अपने आप को फिट रखने के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। सही क्या होता है, कूल योर हील्स का मतलब होता है कि अनविलिंगली किसी का वेट करना। बी टोल्ड बाई समवन टू वॉश योर फीट, पैर धुलने की बात ही कहीं नहीं हो रही है। टेक ऑफ योर फुटवियर, फुटवियर को अपने निकालना आफ्टर ए लॉन्ग डे, बहुत दिनों बाद अपने बहुत दिनों से आप लोग फुटवियर पहने थे उसको निकाल दिए, तो कूल योर हील्स, तो अपना पैर ठंडा महसूस कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे होगा क्या कि आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी आप किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है क्या, कूल योर हील्स, ये एक प्रकार का क्या है, ईडियम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। पी क्यू आर एस है, पहला सी से स्टार्ट हुआ है, तो हम पहले सी पढ़ लेते हैं। देखिए, वाइल समवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैव अराउंड फॉर सेंचुरीज, द सेक्सोफोन इज ए रिलेटिवली रिसेंट इन्वेंशन। सेक्सोफोन के बारे में बात की गई, उसके बाद क्या कहा जाएगा, सी के बाद डी आएगा, ए आएगा, डी आएगा या ए आएगा, देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, देखिए अगर सी के बाद डी आएगा या ए आएगा, डी और ए में से ही कोई आना है। इट वॉज फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, या फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था टू कंबाइन ए रीड विद ए ब्रास बेल, ठीक है। अब हम देखते हैं सी के बाद क्या डी आएगा। द फर्स्ट सेक्सोफोन वॉज पेटेंटेड बाई एंटोनी जोसेफ सैक्स इन पेरिस इन 1846। तो पहले सेक्सोफोन के बारे में बताया गया, उसके इन्वेंशन के बारे में, उसके बाद तो यही बताया जाएगा कि पहला सेक्सोफोन जो है वो वाज पेटेंटेड बाय एंटोनियो जोसेफ सैक्स इन पेरिस इन 1846। तो सी के बाद डी आएगा, ये बात तो तय है। तो सी के बाद डी कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया और 3 में दिया गया है। अब डिसाइड करना है ए के बाद बी आएगा या बी के बाद ए आएगा, ठीक है, बी ए आएगा या ए बी आएगा। चलिए पढ़ लेते हैं, ए को भी पढ़ लेते हैं और बी को भी पढ़ लेते हैं। इट वॉज फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू कंबाइन ए रीड विद ए ब्रास बॉल, फिर यहाँ दिया गया है विदाउट इट्स यूनिक साउंड। पहले यहाँ इसी के रीड और ब्रास बॉल की बात की जाएगी, फिर इसके यूनिक साउंड की बात की जाएगी। बिना इसके यूनिक साउंड के वी विल नेवर हैव हियर्ड जज और एनी ऑफ म्यूजिकल म्यूजिक स्टाइल दैट फॉलोड इन इट्स फुट स्टेप्स, ठीक है। तो पहले रीड एंड ब्रास बॉल की बात की जाएगी, फिर इसके साउंड की बात की जाएगी, ए के बाद बी आएगा और ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द एक्यूज्ड वर फाइनली चार्ज्ड एंड जस्टिस वाज मेटे ऑन टू द विक्टिम। अब हमने कई बार बताया आप लोगों को, वोकैब्स जब हमने ट्रिकी द हिंदू की वोकैब्स जब मैं सॉल्व करा रहा था, तो वहाँ पे हमने बताया था मेटेड आउट टू, और हमने बताया था ये पूछा गया है, मेटे आउट टू एक फ्रेजल वर्ब है, METE मेटे आउट टू एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी को पनिशमेंट देना, जिसका मतलब क्या होता है, किसी को पनिशमेंट देना, ठीक है। तो यहाँ मेटे आउट टू यूज़ होना चाहिए, यहाँ मेटे ऑन टू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मेटे आउट टू हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये मीट नहीं है, ये मेट है, METE है, मेटे आउट टू है, मेटे फर्स्ट फॉर्म है, उसी की सेकंड थर्ड फॉर्म मेटेड दी गई है। मेटे आउट टू का मतलब क्या होता है, किसी को पनिशमेंट देना, ठीक है, गूगल सर्च कर लिया कीजिए आप लोग ज़रूर। द एक्यूज्ड
वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, और इसके पहले जब आर्टिकल द लग जाता है तो ये उस जाति का बोध कराने लगता है। जैसे पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, और इसके साथ प्लरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? प्लरल वर्ब का यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, और द एक्यूज्ड का मतलब जितने भी आरोपी लोग हैं वो, और आरोपी लोग चूंकि प्लरल हो गए इसलिए वर्ब प्लरल लिखी गई है, सही लिखी गई है। इसे इस पार्ट में आप लोग एरर मत सोचिएगा, ठीक है, उसका रीजन यही है। अब देखते हैं चार्ज्ड, और चार्ज के साथ क्या, चार्ज के साथ हम अगर प्रीपोजिशन लगाते हैं कोई, अगर ये लिखा गया होता कि चार्ज विद होता है, CHARG, चार्ज क्या होता है? विद, ठीक है, चार्ज विद होता है किसी का पर किसी चीज़ का आरोप लगाना, चार्ज समबडी विद समथिंग होता है। ठीक है, द एक्यूज वर्ब इसलिए सही है, हम बताए हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। हम एडजेक्टिव इस समय पढ़ा रहे हैं, और स्टार्टिंग वाली क्लास में ही हमने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। और नाउन की क्लास में हमने ये रूल बताया हुआ है कि पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब, और द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, और ऐसे सेंस में द पुअर गरीब लोग हैं, इसलिए इसके साथ हम प्लरल वर्ब का यूज़ करते हैं। वर का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे, यानी कि प्लरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे एक्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसके पहले आर्टिकल द लग गया है, एक्यूज्ड आरोपी लोग हो जाएगा, और इसके लिए हम वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इज़ टीचिंग द चिल्ड्रेन बॉटनी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, पैसिव बनाना है। इज टीचिंग का पैसिव क्या बनेगा? हमने बताया है मेन वर्ब को ले लीजिए, इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए, एक बी और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बी की ING फॉर्म क्या होती है? बींग, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। तो बींग टॉट देख लीजिए, जिस ऑप्शन में हो वो सही हो जाएगा। बींग, BEING, बींग और टॉट, यहाँ बीन टॉट दिया गया है, बीन टॉट यहाँ दिया गया है, ये सही हो सकता है। और ऑप्शन नंबर बी में बींग टॉट दिया गया है, देखिए ये सही हो सकता है। अब दोनों मिला लेते हैं, देखिए आप लोग क्या दिया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाई हर इज़ बींग टॉट या बॉटनी इज़ बींग टॉट। तो बॉटनी को पढ़ाया जाने जा रहा है ना, तो बॉटनी इज़ बींग टॉट होगा, और ऑप्शन नंबर फोर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है, जो संदिग्ध हो, जो निश्चित ना हो, उसके लिए हम अनसर्टेन यूज करेंगे। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, और अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। अनविलिंग इच्छा नहीं है आपकी, तो अनविलिंग। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बोल सकते हैं। नोटेबल का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है, और नोटेबल फॉर का यूज़ करते हैं, फेमस और फॉर और नोटेबल फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। ऑल द क्लाइंट्स आर बींग इन्फॉर्म्ड, हमने बताया है कि इसे क्या बनाना है, एक्टिव बनाना। जब भी पैसिव से एक्टिव बनाना हो तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते ही हमें मालूम चल जाएगा कि एक्टिव वॉयस पैसिव वॉयस है। एक्टिव बनाने के लिए ING फॉर्म को बी में, जो बी की फॉर्म को मेन वर्ब में एडजस्ट कराते हैं। बी की फॉर्म है ING, उसको इन्फॉर्म की ING फॉर्म बना दीजिए, और हो जाएगा इन्फॉर्मिंग। अब इन्फॉर्मिंग कहाँ दिया गया, ये इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्स और इन्फॉर्मिंग, तो आपका इन्फॉर्मिंग क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये 5 मिनट में, 2 सेकंड, 3 सेकंड में करने वाला क्वेश्चन है। बींग इन्फॉर्म्ड देखे तो बी की ING फॉर्म को इन्फॉर्म में एडजस्ट कर दिए और इन्फॉर्मिंग बन गया। इन्फॉर्मिंग कहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में, और ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या देख, यहाँ क्या दिया गया है, बट समवाट ओवर एम्बिशियस। ओवर एम्बिशियस बहुत ही महत्वाकांक्षी, ठीक है, ही वॉज ए हैंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, वह हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, तो वहाँ यूज़ क्या होना चाहिए, यद्यपि वो क्या है, ओवर एम्बिशियस है, फिर भी क्या है, वो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, फिर क्या है, वो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है। दो अपोजिट बातें कही जा रही हैं, दो अपोजिट बातों के लिए हम दो का यूज़ करते हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा दो और आल दो के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, कॉमा का या एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से भी दो जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आल दो और दो के साथ या तो कॉमा लगाते हैं या एट लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ कॉमा लगा हुआ है। चिप ऑफ ओल्ड सोल्जर्स क्या दिया गया है, चिप ऑफ ओल्ड सोल्जर्स, अपने माता पिता के समान दिखना, ये होता है वन हु रिजेंबल्स ए पेरेंट स्ट्रांगली,
ठीक है। एक बात देखिए, रिजेंबल के साथ कभी भी एज का यूज नहीं करते हैं, ये पूछा गया है। रिजेंबल के साथ कभी भी एज का यूज नहीं करते हैं, रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन ही नहीं लगता है, ठीक है। रिजेंबल का मतलब होता है के समान दिखना, और इसके साथ हम कभी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। रिजेंबल एज हिज पेरेंट्स, ऐसा कुछ गलत हो जाएगा। रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, कंप्राइज के साथ हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं, खासकर ऑफ प्रीपोजिशन करके एरर देता है, जबकि हमें ध्यान रखना कि कंप्राइज के साथ हमें कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है, ठीक है। साइन के साथ हम जिस चीज़ पर साइन कर रहे होते हैं उस पर कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, जैसे साइन ऑन द पेपर नहीं, साइन द पेपर होता है, साइन द पेपर होता है, और आप लोग लिखिएगा सिग्नेचर ऑन द पेपर होता है, सिग्नेचर ना वर्ब सॉरी नाउन होता है, और साइन होता है वर्ब। साइन का मतलब हस्ताक्षर करना और सिग्नेचर का मतलब हस्ताक्षर। साइन जो है वर्ब है और सिग्नेचर नाउन है, तो सिग्नेचर ऑन द पेपर होता है। 24 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, हम सॉल्व कराएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। द एक्सक्रूसिएटिंग पेन इज द डैश लेग मेड हर विंस एज सी ट्राइड टू स्टैंड। देखिए एक बात देखिए, द जो है वो आर्टिकल है और ये क्या है, लेग नाउन है, ठीक है। अब द के बाद अगर दो वर्ड आ जाएं, आर्टिकल के बाद दो वर्ड आ जाएं, तो हमने बताया था एक नाउन होता है और इसके ठीक पहले वाला होता है एडजेक्टिव। अब बताइए, वर्ब सारे वर्ब दिए गए, वर्ब की कौन सी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। एडजेक्टिव की पहली क्लास में हमने चर्चा किया था, देखिए कितनी चीज़ें आप लोगों को मिल जा रही हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म ब्रेक की क्या दी गई है, ब्रोकन, और ब्रोकन एक ही ऑप्शन में दिया गया है चौथा, और ब्रोकन लेग हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। एडजेक्टिव की क्लास भी आप लोग देखते चलिए, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फायदा आप लोगों को होगा। अब देखते हैं, एज द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी कंट्रीज हैज शोन, प्रिवेंशन इज बेटर देन टू क्योर, नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होगा, टू क्योर नहीं होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्या होता है, क्योर होता है, और यहाँ टू क्योर ना हो करके क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, प्रिवेंशन की तुलना क्योर से होगी, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो नाउन की तुलना यहाँ नाउन से ही होनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीज, किसी चीज़ को सीज कर देना, सीज कर देने का क्या हो जाएगा, एंटोनिम लिखना है, रिलीज कर देना यानी मुक्त कर देना, जैसे आपकी गाड़ी सीज हो जाती है, सीज का मतलब स्टॉप होता है, ठीक है। रिलीज कर देना मतलब मुक्त कर देना, वेस्ट आप लोग जानते हैं बर्बाद, स्नैच स्नैचिंग होती है, चेन स्नैचिंग होती है, ठीक है, छीनना होता है स्नैच, कैप्चर आप लोग जानते हैं पकड़ना, ठीक है। 35 हो गया, आप 36 की तरफ चलते हैं। इट इज हर्टेनिंग सीन दैट, इट इज हर्टेनिंग टू सी दैट होगा, वहाँ पे क्या होना चाहिए, इट इज हर्टेनिंग टू सी दैट। अच्छा आगे दिया गया है, एवरी वन इज एब्जॉर्विंग द रेगुलेशन स्ट्रिक्टली, तो बात समझ में आई कि टू सी दैट होगा, इट इज हर्टेनिंग टू सी दैट। अब टू सी दैट ऑप्शन नंबर ए में और चौथे में, दोनों में दिया गया है, पहले चौथे में, एवरी वन विल ऑब्जर्व होगा या एवरी वन इज ऑब्जर्विंग होगा, एवरी वन इज ऑब्जर्विंग द रिस्ट्रिक्शन, प्रत्येक आदमी जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व कर रहा है, और उस अर्थ में यहाँ पर इज ऑब्जर्विंग जो होगा वो सही होगा, मीनिंग निकलेगी, और चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैनी आस्क्ड स्यू, ये नो सब वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इफ़ सी हैड एनी आइडिया, इफ़ का मतलब होता है कि क्या, इफ़ का मतलब क्या होता है कि क्या उसके पास कोई आइडिया है, वेयर हिज मोबाइल वाज, कि उसका मोबाइल कहाँ था, क्या उसके पास कोई आइडिया था कि उसका मोबाइल कहाँ था, उसने पूछा, ठीक है। सी आस्क्ड स्यू, कैनी आस्क्ड स्यू, कैनी ने स्यू से पूछा, ठीक है, कि क्या उसके पास कोई आइडिया है, इसका मतलब निकल रहा है कि क्या, इसका मतलब यदि नहीं निकल रहा है, और हमने बताया है 2019 का जब हम MB पब्लिकेशन सॉल्व करा रहे थे, सारी चीज़ें बताई हमने, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है जब इसका मतलब की क्या निकलता है, और इसका रूल होता है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के पहले का सेंटेंस अगर पास्ट है तो बाद वाला सेंटेंस भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बाद वाला भी हैड लिखा गया है पास्ट में और वाज लिखा गया है पास्ट में, सारी चीज़ें सही लिखी गई हैं, नो सब्स्टिट्यूशंस होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं,
क्या दिया गया है, वी टर्न इन टू द लेन बिकॉज देयर वॉज ए स्टेशनरी शॉप एट द एंड ऑफ इट, उसके एंड पर। तो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ, ठीक है, एट द एंड ऑफ इट। फॉर अस टू बाई द पेंसिल वी नीडेड, ठीक है, वी टर्न इन टू, टर्न इन टू मीन मुड़ा, ठीक है, द लेन बिकॉज देयर वॉज ए स्टेशनरी शॉप। तो बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या दिया गया है, देयर वर शोन सम रेयर फोटोग्राफ्स बाई देयर कजिन। अब देयर कजिन बाई के बाद लगा हुआ है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है क्योंकि ये पैसिव में दिया गया, और हमने बताया है एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय मेन वर्ब को पकड़ लीजिए, और मेन वर्ब को पकड़ने के बाद क्या करना है, इसको एक्टिव में बदलना है। वर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, वर वर्ब की क्या है, सेकेंड फॉर्म है। इज एम आर, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वाज या वर वर्ब की क्या होती है, सेकेंड फॉर्म होती है। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है, वर सोन दिया गया है, ठीक है, वर्ब बी को मेन वर्ब में एडजस्ट कीजिए, वर्ब जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, इसको एडजस्ट कीजिए सोन में। अब क्या करना है हमें, सोन की जो ये सोन थर्ड फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है सोड, सो सोड सोन होती है, ठीक है, तो सोड ऑप्शन नंबर इसी में दिया गया है, सिर्फ सोड होगा, ठीक है, सोड ऑप्शन नंबर इसी में दिया गया है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सोन आएगी, और यहाँ सोड दिया गया, गलत काट दीजिए, वाज सोइंग गलत होगा, आई एन जी फॉर्म यहाँ होगा ही नहीं, ठीक है, और हैज सोन भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पास्ट में दिया गया है, वर सोन दिया गया है, ठीक है। तो बातें समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या होना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको हटा दीजिए, और इसकी इसको किस में एडजस्ट करना है हमें, सोन में। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म वर है, और तो सो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सोड होती है, तो यहाँ पे सोड यूज होगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर थ्री आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं लास्ट, अब धीरे धीरे हम कराएंगे आप लोगों को सारे पूरा सेट। साइंटिस्ट आर इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व के साथ हमें इन प्रीपोजिशन लगाना है, एमबी पब्लिकेशन की बुक सॉल्व करते समय हमने बताया, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोग उसे ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, अगर उसे सॉल्व कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोगों को वो चीज़ें पढ़ा, वो सारी चीज़ें पढ़ाई। 2019 आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, फिर 18 सॉल्व कराया जा रहा है उसे सॉल्व कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन्वॉल्व, इंडल्ज, इन सब के साथ हमने बताया था कि इन्वॉल्व के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, इंडल्ज के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, फेथ इन होता है, ट्रस्ट इन होता है, इन सब के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो इन्वॉल्व के साथ लगेगा। इन सर्च ऑफ भी होता है, वैसे भी देखिए इन्वॉल्व, इन सर्च ऑफ, सॉरी इन सर्च ऑफ दिया गया, इन सर्च ऑफ थेरेप्टिक, थेरेप्टिक मतलब स्वास्थ्यप्रद, ठीक है, इन सर्च ऑफ होता भी है, इन द सर्च ऑफ, इन्वॉल्व इन द सर्च ऑफ ए थेरेप्टिक फॉर दिस वायरस टू प्रिवेंट इट्स स्प्रेड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इन सर्च ऑफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, 41 भी देख लेते हैं, कल से 42 देखेंगे। एज देयर वर ओनली कैब अवेलेबल देयर वॉज सर्च प्राइसिंग वी डिसाइडेड टू शेयर। अब देखते हैं, देयर लगा हुआ है, देयर से सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो ये कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। ओनली वन कैब, ओनली वन कैब के लिए क्या लगेगा, सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, हियर या देयर कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, तो वर्ब के बाद लिखा हुआ जो नाउन या प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट का काम करता है। अब ओनली वन कैब सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए, देयर वाज होना चाहिए। सारी चीज़ें एमबी की बुक में आप लोगों को बताई गई, एकदम डिटेल में बोर्ड में समझा करके बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर वाज होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई कि किस तरह से हमें पढ़ा, मतलब पेपर को सॉल्व करना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर आप लोगों को दो पार्ट में सॉल्व कराएंगे, एक पार्ट ये हो गया, हो सकता है दो से तीन पार्ट में एक सेट हो जाएगा, तो दो से दो पार्ट या हो सकता है तीन पार्ट हो, क्योंकि चीज़ें हमें डिटेल में एकदम समझा करके बतानी है, इसलिए टाइम लग सकता है। सिर्फ आंसर बताना हो तो आंसर इसमें दिया ही गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे समझा करके मैं बताता हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और ये भी बताएँ कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है, और चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।